हे गाइस व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल फाइन। मैं नमस्ते जीत, आप देख रहे हो तो गेमर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं माफी मांगूंगा कि ये जो वीडियो है बहुत ही मैं लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो इवेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस इवेंट से आपको कैरेक्टर वाउचर मिलेगा या मतलब उजी का स्किन मिलेगा या फिर आपका आउटफिट मिलेगा, मतलब ये जो इवेंट है, इस इवेंट के बारे में मैं बहुत ही लेट वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर दुर्गा पूजा आ रहा है, तो इसीलिए मतलब आज भी लेट हो गया वीडियो डालने में। तो आगे जाकर कुछ दिन तक थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, वीडियो आने में, मतलब आएगा लेकिन थोड़ा हो सकता है लेट आए वीडियो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब सबर करना, आ जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आज पबजी मोबाइल को ओपन करोगे तो मतलब आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक न्यू इवेंट आया, जिसका यहाँ पर बैनर वाला जो इवेंट है यहाँ पर जो आता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हाउस ऑफ हॉरर्स करके एक इवेंट आया। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है फ्राइड, ठीक है, मतलब बोस्ट फ्राइड ऐसा कुछ है। और यहाँ पर आप कैंडी देख सकते हो, ये लॉलीपॉप, ठीक है। और यहाँ पर आपका बाकी का जो इंटरफेस ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो इवेंट है वो आज से शुरू हुआ है और चलने वाला है 1 तारीख तक, ठीक है, मतलब 1 नवंबर तक चलने वाला है। तो लगभग 10-11-12 दिन का इवेंट है, ठीक है। तो इसी इवेंट के दौरान आपको कैरेक्टर वाउचर मिलेगा और उसी का स्किन मिलेगा और एक मतलब बहुत ही मस्त आउटफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर वाउचर है वही सब लोग चाहते होंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर वाउचर इवेंट है बहुत दिन बाद आया, लगभग 2 मंथ्स बाद आया कैरेक्टर वाउचर का इवेंट। तो आप लोग कैरेक्टर वाउचर को लेने के लिए ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए मतलब डायरेक्ट आपको इस इवेंट में क्या करना होगा ताकि आपको कैरेक्टर वाउचर मिले, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के अंदर जाकर भी पढ़ सकते हो या फिर आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के अंदर आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा कि इवेंट रूल्स, प्लेयर कैन कंप्लीट मिशंस टू कलेक्ट लॉलीपॉप टू फिल देयर गुडी बैग। अब गुडी बैग मतलब ये जो आप देख सकते हो एक बैग जैसा है, 47x200 लिखा हुआ है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो 47x50 मतलब 47 नहीं होगा आपका, रैंडमली कुछ सम मतलब 20-30 कैंडी होगा और बाय 50 होगा, ठीक है। तो आप क्या करना, इसका जो कैपेसिटी है थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लिक करोगे तो मेरा ऑलरेडी 200 कैपेसिटी आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हो, तो मैंने 200 कैपेसिटी बढ़ा लिया है। तो फर्स्ट जब आप कैपेसिटी बढ़ाओगे तो वो 100 कैपेसिटी हो जाएगा और आपका 10 सिल्वर फ्रेगमेंट्स कॉस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप और 50 बढ़ाओगे तो 20 सिल्वर फ्रेगमेंट कॉस्ट होगा, एंड फाइनली 200 जब स्पेस बढ़ा लोगे यहाँ पर तो आपका 30 सिल्वर फ्रेगमेंट्स कॉस्ट होगा, मतलब आपका टोटल 60 अगर सिल्वर फ्रेगमेंट्स कॉस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर जो गुडी बैग है इसका कैपेसिटी 200 हो जाएगा। अब इसको मैं क्यों इंक्रीज करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लॉलीपॉप है आप देख सकते हो मेरा 47x200 जो है, यहाँ पर जो मतलब ये जो बैग जैसा है गुडी बैग, ये गुडी बैग के अंदर आप जब ऑफलाइन रहोगे तब भी आपका कैंडी जो है ऑटोमेटिकली जेनरेट होता रहेगा और आपके इस गुडी बैग के अंदर आता रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि आप क्वेश्चन मार्क के अंदर क्लिक करोगे तो आपको सेकंड रूल में पता लग जाएगा कि द लॉलीपॉप्स गेन्ड ऑफलाइन विल बी स्टोर्ड इन योर गुडी बैग अंटिल योर गुडी बैग इज फुल, ठीक है। मतलब बैग है इसको सिल्वर फ्रेगमेंट से कैपेसिटी को बढ़ा लेना, 200 कैपेसिटी बढ़ा लेना, ठीक है। इसके वो पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ मिशंस दिखाएंगे, जिस मिशंस को अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर लॉलीपॉप मिल जाएगा 250, ठीक है। आप 250 आप देख सकते हो कि कौन से मिशंस है, इन मिशंस को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 250 कैंडी 250 लॉलीपॉप मिल जाएगा। आप 250 लॉलीपॉप यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आप देख ही सकते हो कि मेरा 47 तक जमा हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो आपका जो गुडी बैग है जब जमा हो जाएगा, आप रिसीव पर क्लिक करोगे तो ये आपका ऊपर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 48 मेरा टोटल स्टोर हुआ और पहले का कुछ था तो 75 हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो मतलब ये जो मिशन है वो करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 250 और हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा 250 प्लस 75 मतलब 325 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ से जो 4 घर आप देख सकते हो लॉक है, इन लॉक घरों को मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अब 400 लॉलीपॉप्स आप कलेक्ट कर लेते हो तो आप ये 2 घर ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कैरेक्टर वाउचर कहाँ से मिलेगा, ट्रिक शॉप के अंदर जो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप जैसे ही देख सकते हो कि ऐसा टाइप का इंटरफेस है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि करंट लेवल आपका 1 होगा, भी ट्रिक शॉप को लॉलीपॉप के हेल्प से लेवल 5 तक आपको अपग्रेड करना होगा तब जाके आपको ये आपका जो कैरेक्टर वाउचर है वो मिलेगा। अब यहाँ पर कैरेक्टर वाउचर कितना मिलेगा इसके अंदर अभी फिलहाल पता नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि 2700 फ्राइड ऐसे कुछ लगेंगे गोस्ट फ्राइड, मतलब 5 कैरेक्टर मतलब पार 5 कैरेक्टर वाउचर के लिए, ठीक है। उससे पहले आपको लेवल 5 तक ये जो ट्रिक शॉप है इसको लेवल अप करना होगा। जैसे कि मेरे पास अभी 75 है तो चलिए मैं इसको और थोड़ा कर लेता हूँ अपग्रेड, ठीक है। तो चलिए इसको अपग्रेड कर देता हूँ, तो इसके बाद और एक अपग्रेड करूंगा तो आप देखना कि ये जो आउटफिट वाला है ये आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये रेड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 38,000 फ्राइड कलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं ये वाला जो आउटफिट है वो रिड्यूम कर सकता हूँ टाइम लिमिटेड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर आपको
तो मतलब कैरेक्टर वाउचर लेने के लिए तो आपको मतलब यहाँ पर अपग्रेड तो हम लोगों ने कर लिया लेवल 5 तक, लेकिन यहाँ पर 2700 जो गोस्ट फ्राइट है वो कहाँ से लेना होगा? गोस्ट फ्राइट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लॉलीपॉप के हेल्प से ये जो बंद दरवाजे है मतलब घर है इनको ओपन करना होगा, ठीक है? जब आपके पास 200 ऐसा कुछ हो जाएगा या फिर 400 हो जाएगा तो आप इन घरों में से कोई भी आप ओपन करना, ठीक है? अब ओपन करने के बाद आपको वहां पर बोलेगा कि आपको फ्रेंड्स को इनवाइट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हो कि मेरा अभी कोई भी घर ओपन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास उतना लॉलीपॉप नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको वहां पर क्या करना होगा, पर घर के अंदर 5 प्लेयर्स ही आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 रूम्स है तो 20 प्लेयर्स आप मैक्सिमम इन चारों रूम को मिलाकर कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर जब वो आप किसी भी फ्रेंड को अगर इन्वाइट करते हो एंड वो आपका फ्रेंड आ जाता है मतलब एक्सेप्ट कर लेता है इन्विटेशन एक्सेप्ट करते ही, ठीक है, वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते ही अगर वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला रूम अनलॉक कर लेते हो और इसके बाद आपको इनवाइट करने का ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड को, तो आप इनवाइट करते हो 5 फ्रेंड्स को एंड वो 5 फ्रेंड्स में से एक बंदा आपका एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? एक्सेप्ट कर लेने के बाद उसका नाम यहाँ पर शो होने लगेगा, शो होने के बाद वो बंदा आते ही आपको 6 कुछ गोस्ट स्प्राइट्स जो ये मेरा 0 है वो शो होने लगेगा कि आपके पास 6 स्प्राइट्स आपको एक फ्रेंड इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 6 स्प्राइट्स मिल चुके हैं, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 20 फ्रेंड्स को बुला लेना है। इसके बाद जब आप नॉर्मली इस इवेंट के अंदर 1-2 घंटे के बाद फिर से जब आओगे तो आप देखना कि उसी घरों पर वो गोस्ट फ्राइट्स उड़ रहे होंगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे उड़ रहे होंगे। तो उस रूम पर जब क्लिक करोगे तो आपको रैंडमली 20-30 करके गोस्ट फ्राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है? तो मतलब आपको करने के लिए बस करना होगा कि यहाँ पर आपको रूमों मतलब ये जो लॉलीपॉप है ये लॉलीपॉपों को कलेक्ट करना होगा। कलेक्ट करने के बाद आपको इन रूमों को जितना हो सके जल्दी आपको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद आपको 20 फ्रेंड्स को यहाँ पर टोटल आपको इनवाइट करना होगा एंड मतलब चारों रूम को मिलाकर आपको मतलब पर रूम के अंदर आपका 5 प्लेयर्स होगा और 4 रूम को मिलाकर आपका 20 प्लेयर्स को इनवाइट करना होगा एंड 20 प्लेयर्स को रिक्वेस्ट करना होगा कि आप लोग मेरा जो रिक्वेस्ट है इनविटेशन रिक्वेस्ट है वो आप एक्सेप्ट कर लो। वो एक्सेप्ट करते ही आपका काम बस हो गया। आपको क्या करना है, 1-2 घंटे बाद आके बस इस इवेंट के अंदर आना है और उन रूमों के ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर गोस्ट फ्राइट ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है? अब गोस्ट फ्राइट कलेक्ट तो होता ही रहेगा, इसके अलावा जब आपके पास बहुत सारे लॉलीपॉप्स मतलब गोस्ट फ्राइट तो कलेक्ट होता रहेगा ऊपर में, अभी आप अगर आओगे तो आपका 0 होगा, तो गोस्ट फ्राइट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा। और उसी दौरान आप इस जो ट्रिक शॉप है इसको लेवल 5 कर लेना और आपका तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली गोस्ट फाइट कलेक्ट हो ही रहा है। जब आपका 2700 गोस्ट फाइट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो आप वहाँ पर ये जो कैरेक्टर वाउचर है ये आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है? तो 2700 गोस्ट फाइट के हेल्प से आपका 5 करके कैरेक्टर वाउचर रिडीम हो सकता है। कितना तक आपका लेवल मतलब ये रिडीम होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन 5 नहीं होगा, 5 से ज़्यादा ही होगा, मतलब 20-30 तो मिला। आप बोलोगे कि उजी या आउटफिट का स्किन कहाँ है, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर जो क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, 600 लॉलीपॉप और बाय नाउ, ठीक है? बाय नाउ के अंदर क्लिक करोगे तो आपका यूसी कॉस्ट करने के लिए बोलेगा क्योंकि आपका ट्रेजर में लेकर चला जाएगा। और 600 लॉलीपॉप अगर आपके पास हो जाता है मिनिमम तो आप उसके हेल्प से ये वाला आउटफिट आप ले सकते हो। और या आप नीचे एक्सक्लूसिव के यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 600 लॉलीपॉप के हेल्प से आप उसी वाला स्किन ले सकते हो, ठीक है? तो अब ये जो है परमानेंट है या टाइम लिमिट है वो तो पता नहीं, हो सकता है कि परमानेंट हो क्योंकि टाइम लिमिटेड होता तो यहाँ पर पबजी वाले बता देते हैं यहाँ रूल्स के अंदर। अगर आप कैरेक्टर वाउचर लेना चाहते हो तो फिर आपको जो मैंने फर्स्ट से बोला वही आपको करना होगा क्योंकि उसके हेल्प से ही ओनली आपका गोस्ट फ्राइड मिलेगा, मतलब वो फ्राइड मिलेगा जिसके हेल्प से आप कैरेक्टर वाउचर को ले सकते हो। और गोस्ट फ्राइड लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप उसी का स्किन या आउटफिट लेना चाहते हो तो फिर आपको ये जो ट्रिक शॉप है इसको अपग्रेड करने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जो लॉलीपॉप है जितना चाहे कलेक्ट करो, ठीक है? तो मतलब ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके जितना टाइम जाता है वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर स्टोर होता ही रहता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर कुछ मिशंस तो दिए ही जाते हैं, जो मिशंस को अगर आप कंप्लीट करते हो तो 250 आपको ऑटोमेटिकली लॉलीपॉप मिल ही जाएगा या फिर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ कुछ करके आपका लॉलीपॉप कलेक्ट होता ही रहेगा। उनके हेल्प से आप डायरेक्टली ये आउटफिट या उसी का स्किन ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपका 2 चॉइस है, आप कौन सा करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। तो यही था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।